हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे सभी नए सब्सक्राइबर, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, उन सभी का भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे प्यारे पपी का एक वीडियो। और आज वो अकेले नहीं है, आज उसके साथ है एक और प्यारा सा पपी, और वो है उसकी सिस्टर जूली। जूली जिनके यहाँ रहती है, आज वो सभी एक मैरिज सेरेमनी में बाहर गए हुए हैं और वो एक दिन के बाद ही लौटेंगे। यानी कि जूली अभी बहुत समय के लिए मेरे यहाँ रुकने वाली है। और उनके ऑनर ने मेरे पास जूली को छोड़ दिया है रहने के लिए है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सबसे सेफ जगह होगा जूली के लिए। और चूँकि एक और पपी है तो दोनों मिलकर बड़े अच्छे से रह लेंगे, यहाँ खेलेंगे और उनकी देखभाल भी सही होगी। तो ये ब्लू बेल्ट में जूली और ब्लैक बेल्ट में कमांडो। और ये देखिए, दोनों का मस्त मस्त खेल जारी है। और ये दोनों कभी कभी तो मिलते हैं, लेकिन आज बहुत समय के बाद फिर मिले हैं, तो दोनों बहुत मस्त हैं और बहुत मज़ा ले रहे हैं एक दूसरे के साथ। जूली और कमांडो दोनों ही पपी को सिख रेजिमेंट से लाया गया है, और ये दोनों ही डच शेफर्ड प्रजाति के हैं। इनकी माँ को सिख रेजिमेंट में ट्रेनिंग के लिए लाया गया था, और ये इन्हीं के पपीज़ हैं। और दो तो यहाँ आप देख रहे हैं, और इनके तीन चार बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पर हैं। और इनमें से एक बच्चे को सिख रेजिमेंट में ही रखा गया है। तो इस तरह से ये पपी आज हमारे घरों में है। और ये डच शेफर्ड जो है, ये बहुत फुर्तीले होते हैं और इन्हें खेलना बहुत पसंद होता है। हालांकि इन्हें छेड़छाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, और इनके दांत काफ़ी शार्प है, दूसरे कुत्तों के बजाय, दूसरे डॉग्स के बजाय काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो इन कुत्तों से खेलना भी थोड़ा संभल के करना पड़ता है। और लेकिन अभी ये छोटे हैं तो इन्हें अपने बाइट का एहसास नहीं है, लेकिन बड़े होने के बाद फिर ये अपने आप को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो मेरे और मेरे घर के फैमिली मेंबर्स के कई सारे कपड़े इन्होंने बड़े प्यार से फाड़ फाड़ कर बिल्कुल चिथड़े बना डाले हैं। और लेकिन हम सभी इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमें इस बात का अफसोस नहीं है। तो ये दोनों आज बड़े मस्तियां करने वाले हैं और मेरे घर पे ही रहेंगे। और कल इनके ऑनर फिर आएंगे शाम को लेने, और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो तब तक के लिए अभी जूली मेरे ही घर पे रहने वाली है और यहाँ ही मस्तियां करने वाली है। तो मैंने दोनों पपीज़ को ब्रेकफास्ट करा दिया है, और अब मैं इनकी लंच को तैयार करने के लिए गैस ओवन पे चढ़ा चुकी हूँ। मैं इनके लिए चिकन और राइस बॉईल कर रही हूँ। और चूँकि डॉग्स को सॉल्ट और शुगर दोनों ही नहीं देने चाहिए, तो मैं उनमें सिर्फ टर्मरिक पाउडर मिलाई हूँ, और इसके बाद इसे बॉईल होने के लिए रखती हूँ। जब मेरे पास गाजर मटर वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो मैं उन्हें भी इनके चावल में इसी के साथ डाल देती हूँ। तो आज भी मैंने इसी तरीके से गाजर को फाइन चॉप करके डाल दिया है, और उनका लंच तैयार हो रहा है। लेकिन तब तक के लिए ये दोनों खूब मस्तियाँ कर रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को साथ देखकर, और दोनों को इतने प्यार से खेलते हुए देखकर। तो आज मेरे घर में बहुत चहल पहल है, और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, कभी धड़ाम तो कभी धड़ूम चल ही रहा है, और ये मुझे लगता है कल तक के लिए जारी रहेगा।
खेलते खेलते जब प्यास लग जाती है तो दोनों रुककर थोड़ी देर पानी पी लेते हैं, फिर बस कुछ क्षण सुस्ता कर फिर शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें आज एक साथ रहने का मौका मिला है, तो ये भी जैसे हर क्षण को जीना चाहते हैं, उन्हें गंवाना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड, वास्तव में सभी के लिए ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराना। बाहर से खेलते खेलते ये दोनों अंदर आ चुके हैं और अंदर आकर डाइनिंग चेयर के नीचे बस वहीं खेल कूद कर रहे हैं और इनके खेल कूद से मेरे घर के सामान बस उलट पुलट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये कभी इधर दौड़ते हैं तो कभी उधर, और इस भागा दौड़ी में ये मेरे काफ़ी सामान गिरा भी रहे हैं, पर इनकी मस्तियाँ अच्छी लग रही हैं। ये देखिए ये कैसे अभी पलंग के नीचे है, तो कभी ये टेबल के नीचे चले जाते हैं, कभी ये डोर मैट को लेकर भागते हैं, तो कभी बाहर से सॉक्स उठा कर ले आते हैं। तो इस तरह से इनकी शैतानियां जारी है और ये जरा भी चैन से कहीं नहीं बैठ रहे हैं। और ये देखिए दोनों टेबल के नीचे हैं और अब है डोर मैट की बारी। शायद जूली थक गई है और वो अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही है, इसलिए जूली चेयर के नीचे आराम से बैठकर थोड़ी देर सुस्ता ले रही है और फिर से दोनों शुरू हो जा रहे हैं। इनकी आंखें कैमरे लाइट में गजब की चमकती है और अब है बाड़ी खाना खाने की। दोनों को मैंने थोड़ी देर पहले दूध पिलाया था और अब इनका ये चावल और चिकन वो तैयार हो चुका है और अब मैं दोनों को अलग अलग खाना खिला देने वाली हूँ और लंच के बाद फिर देखते हैं। लंच के बाद तो दोनों में कुछ फुर्ती और ज़्यादा आ गई है और दोनों काफ़ी बदमाशियाँ फिर से शुरू कर दिए हैं दोनों ने और धमा चौकरी जारी है मेरे घर में। तो फिर से इन्होंने अपना एनर्जी गेन किया है और ये फिर दोनों शुरू हो गए और इस बार कमांडो थक गया है और वो थोड़ा आराम करना चाहता है। इसी तरह से शाम हो गई, पता भी नहीं चला कि कब अंधेरा उतर आया है, लेकिन दोनों थोड़ी देर थकते हैं, रुकते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। अब को सोते समय थोड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि कमांडो अपना बेड शेयर नहीं करना चाह रहा था जूली के साथ और इसलिए मुझे दोनों को अलग अलग सोने की व्यवस्था कर देनी पड़ी। तो कुल मिला करके आज का दिन कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला, कभी दोनों को संभालते, कभी रोकते, कभी इनका खेल देखते हुए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।